नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे घर की सुख समृद्धि काफी हद तक घर की स्त्री पर निर्भर करती है। जिस घर की स्त्री समय पर उठकर घर के जरूरी काम कर घर वालों का ख्याल रखती है, परंतु कुछ ऐसे काम है जो घर की महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। प्राचीन काल से ही बहु बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक घर की स्त्री है जो कि घर को नर्क बना सकती है और वह चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। वहीं कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो घर में सुख समृद्धि लाती है। तो आइए जान लेते हैं वह ऐसे कौन से 8 काम हैं जो भूलवश भी घर की बहु बेटियों को नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहली बात, झाड़ू को पैर मारना। घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या फिर झाड़ू पर पैर मारती हैं या फिर झाड़ू को पैर से ठोकर मारती हैं। ऐसा करने से कभी भी उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर समय दरिद्रता छाई रहती है, इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए, झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए एवं झाड़ू को पैर से नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, चूल्हे पर झूठे बर्तन। यदि आपके घर की बहु बेटियों को आदत है कि रसोई घर में गैस पर खाना बनाते समय खाना खाने के बाद झूठे बर्तन रख कर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में भी कभी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे घर में गरीबी और दुख का कारण ये बनती है। इसलिए रात के समय गैस पर झूठे बर्तन रख कर महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, दरवाजे को ठोकर मारना। जिस घर की औरतें दरवाजे को लात मारकर खोलती हैं, लात मारकर बंद करती हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी चली जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आने का प्रमुख द्वार घर का मेन गेट होता है। इसलिए घर के दरवाजे को कभी लात मारकर बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं टिकेंगी। चौथी बात, घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना। यदि आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो यह घर की बर्बादी का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना गया है। पांचवी बात, रसोई घर में झूठे बर्तन। घर की महिलाएं रात के समय रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं, यह गरीबी को दावत देने जैसा होता है। ऐसा ना करें। सोने से पहले घर की रसोई घर में कोई भी झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा जरूर लगाना चाहिए। छठी बात, शाम के समय झाड़ू। जिस घर की महिलाएं सूर्य ढलने के पश्चात घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए भूलवश भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो घर में कभी भी देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं टिक पाती है। सातवीं बात, देर तक सोना। जिस घर की महिलाएं अधिक देर तक सोती हैं, शाम के वक्त सूर्य ढलने के बाद भी सोती रहती हैं और सुबह सूर्य उगने के बाद भी सोती रहती हैं, ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं रहती और ऐसे घर में हमेशा बीमारी आती है। इसलिए सूर्य ढलने के पश्चात घर की महिलाओं को तो कभी नहीं सोना चाहिए। आठवीं बात, आंगन साफ न रखना। जिस घर की महिलाएं सुबह उठकर अपने आंगन को साफ सुथरा नहीं रखती, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं दिखती। सुबह उठने के पश्चात अपने आंगन में झाड़ू लगाएं, थोड़ा सा पानी अवश्य छिड़कें और आंगन में सुंदर सी रंगोली जरूर बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्वागत होता है और माता लक्ष्मी आपके घर पधारती है। तो दोस्तों, ये ऐसे 8 काम थे जो घर की महिलाओं को भूलवश में नहीं करने चाहिए। यदि वह ऐसे काम करती हैं तो उनके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। पैसा उनके घर में आता है, चला जाता है। माता लक्ष्मी कभी भी उनके घर में स्थायी वास नहीं करती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।